ओ यार ये देखो फांसी दी हुई है किसी को। यार ये है क्या क्या है, कुछ नहीं समझ आ रहा है यार। हाँ जी भाई साहब, 20-22 हज़ार रुपये चलाने से रोड पे। जब आप 160 से प्लस होते हो ना तो बाइक ऐसे ऐसे भी नहीं होती, मतलब बिल्कुल सीधी रहती है। मतलब क्या बोलूँ मैं, फीलिंग बोल के नहीं बता। ओए इधर से तो टिकना कितना है। तो अभी मैंने तीसरी बार फिल कराया, वो भी 1100 का ही हुआ है, मतलब कि 1100 समथिंग का हुआ, मतलब वही 30 की एवरेज दे रहा है अभी तक। तो ठीक है यार, और क्या चाहिए, साली 30 की एवरेज मिल रही है और जान लेनी है इसकी। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू रोदन ब्लॉग। तो जय भोले सभी को। आज हम जा रहे हैं, आज का जो ब्लॉग रहेगा ना, वैसे ब्लॉग की सीरीज ही रहेगी, क्योंकि आज हम जा रहे हैं होली मनाने के लिए वृंदावन। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा वृंदावन में होली मनाने का, ठीक है। और उसके बाद का प्लान है कि वहाँ से अगर टाइम बचा तो हम हरिद्वार निकल जाएंगे, ऋषिकेश निकल जाएंगे, मतलब कुछ लंबा प्लान बनने वाला है। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, यहाँ से वहाँ तक का है, उसके आगे जो भी होगा आपको टाइम के साथ पता चल जाएगा। और इसी के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मीटिंग पॉइंट ही 5 बजे का था, बट मैं काम मेरा सामान सामून लेते हैं, मेरे को टाइम लग जाता है। फ्रंट लाइट भी ऑन कर लेते हैं, बहुत है, दोनों चल रही है ना। हाँ, इसका हाईवे पे बहुत सहारा है यार, नहीं तो कुछ नहीं दिखता। इसकी स्टॉक लाइट तो बेकार है। हाँ चलो, इसको थोड़ी देर वार्म अप होने देते हैं, उसके बाद सीधा बाइक पे मिलते हैं। 15 मिनट वार्म अप हो गया, अब हम निकलने वाले हैं। जय बाबा जी, मेहर करो बच्चों दे, गलती माफ़ करो बच्चों बाबा जी। 5 बज गए हैं और अब हम निकले हैं वृंदावन के लिए। आज का हमारा जो टोटल रहेगा वो रहेगा 700 किलोमीटर प्लस, ठीक है, मतलब 700 किलोमीटर से ज़्यादा है। यहाँ से हमने पठानकोट से निकलना है वृंदावन के लिए, मतलब रात को हमारा स्टे वहीं पे रहेगा। तो अभी मॉर्निंग, इसलिए जल्दी निकले थे। वैसे तो इन्होंने सोचा था कि 4 बजे निकलना है, मतलब मेरे कारण सबका लेट हो गया, अदरवाइज़ सारे सोच रहे थे कि 4 बजे निकल जाएंगे। बट मेरे को यार पंगा होता है, क्या है कि मेरे को ना सारे गैजेट्स वगैरह सेट करने पड़ते हैं, चार्ज करने पड़ते हैं। वैसे तो मोस्टली गैजेट मेरे ख़राब हो गया, मोस्टली क्या, मेरा ड्रोन ही ख़राब हुआ और तो कुछ नहीं हुआ। बट चलो अब निकल। 5:10 हुए हैं और मैं हूँ पठानकोट सिटी में। अब ये देखो, मतलब कितना खाली है ना, रात को वैसे कितना सुकून होता है, कितना खाली खाली है। मीटिंग पॉइंट था हिल टॉप पे, मंदिर है, माता जी का मंदिर है, वहाँ भोले बाबा की बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई है, तो यहीं पे है। अब पता नहीं इधर होंगे, हाँ वो खड़े हैं सारे, रात को साला पता नहीं लगेगा यार। बट चलो, ये देखो कैसे नाच रहा है, वरुण को तो नाचना होता है बस। सो हम हैं डमटाल और यहाँ से वृंदावन दिखा रहा है 6663 किलोमीटर है, 10 घंटे, मतलब 5:30 हुए हैं। 6 बजे के भी अकॉर्डिंग लगा के चलो तो 5-6 बजे तक आप पहुँचने में, बट स्टिल हम मतलब रुकेंगे भी बीच में, 10 घंटे चलाएंगे तो नहीं, बट हम पहुँचेंगे कोई 6-7 बजे का एस्टिमेट, पता नहीं अभी कन्फर्म नहीं कुछ भी। बट फिलहाल हम ऑयल डलवाने लगे हैं, यहाँ से टंकियाँ फुल करा लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कितना बड़ा। सो फाइनली ऑयल डलवा लिया, मेरी बाइक में तो 620 का ऑयल डला, मतलब कि यार फुल थी पहले भी, अभी एक बार फुल हो गया ना तो दोबारा फिर रिफिल करने की अभी 200-300 किलोमीटर तो कोई मतलब नहीं है मेरे को, बाकी बाद में देखते हैं। हाँ अब हम आ गए हैं हाईवे पे, ये मैंने यहाँ पे कर लिया यार, पहले ना ये वाला नीचे था लेग गार्ड पे, वो सही नहीं लग रहा था, तो यहाँ से दिखा रहा है कोई, ये क्या आ रहा है, अवॉइड रोड क्लोजर, कोई रोड क्लोजर नहीं है यार यहाँ पे। देखी हूँ रोशनी करा, ए आ देख। साला। अब खींच लो जितना खींचा जाता है। ओ भाई यार, इतनी फोग थोड़ी होती है यार इस मंथ में, ये क्या चल रहा है।
भाई यहाँ से तो विजिबिलिटी खत्म होगी बिल्कुल भी, ये तो गलत बात है यार। भगवान वो घटाओ थोड़ी सी। ये कोई फोक के मंत नहीं है, क्या चल रहा है इतनी ज्यादा फोक। ऊपर से मैंने येलो कवर नहीं लगाया हुआ, मेरे को थोड़ी पता है इतनी फोक आ जानी, और मैं लेके भी नहीं आया। ये देखो बकवास, अब तो हद हो गई यार, अब तो दिखना बंद हो गया यार, इतनी थोड़ी फोक पड़ती है। अगर ये साली रहेगी ना पूरे पंजाब में, मतलब पूरे पंजाब वाले रास्ते में अगर ये रही ना, तो फिर तो मुश्किल है भाई, फिर ना 10 घंटे में पहुंच पाए। 6:19 हुए हैं और हमने चल लिया कोई 73 किलोमीटर। हम रुके इसलिए हैं, सो अब मैं रुका इसलिए हूँ क्योंकि फोग बहुत ज़्यादा है आगे ना, गीला गीला लग रहा है। ऐसे अगर जलंधर तक हुई तो हम बीमार ना हो जाएं। लॉन्ग रूट है तो विंड शीटर डालना पड़ेगा। रोहित विंड शीटर लेके आया, विंड शीटर लेके आया, लगा हुआ ना रेड कलर का, ठीक है। अच्छा 5 मिनट की ब्रेक के बाद हम फिर से स्टार्ट करने लगे हैं और अभी है 6:30। विंड शीटर डाल लिया यार, क्या था ना धुंध बड़ी, मतलब फॉग बहुत ज़्यादा, गीला होना स्टार्ट हो गया यहाँ से ना, चेस्ट गीली होनी स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने कहा डाल लेते हैं, ऐसे बीमार हो जाएंगे, फ़ायदा कोई नहीं है। लॉन्ग राइड्स में ना ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ों का। वो देखो सूरज निकल आया, वो देखो धुंध के कारण ना आप क्लियर देख सकते हो, ऐसे कभी भी आपको क्लियर नहीं देखेगा सूरज, वो कितना ही सुंदर लग रहा है। और ट्रेन आ गई, वाह मेरी छोनी की ट्रेन आ गई। लो भाई 7 बज गए हैं और हम आ चुके हैं जलंधर। मतलब कितना टाइम लगा यार, 5:15 5:30 के आसपास निकले थे, 6:30 7:30 तो 1.5 घंटे में हम जलंधर आए। वो भी धुंध फोग बड़ी हुई थी तो उसके कारण मे भी थोड़ा लेट हो गया। तो फाइनली सूर्य देवता बिल्कुल सामने आ गए हैं और दिन चढ़ गया है। अरे यार जलंधर में हूँ यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा, साला ट्रैफिक में ना गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है, मतलब बाइक चलाने का मज़ा नहीं आता। पिछले से ऐसे हाईवे से ना उड़ा रहे थे, अब यहाँ पे आके मतलब कि इतना बड़ा रोड है, कोई इधर से निकल रहा कोई इधर से निकल रहा, बिना हॉर्न मारे निकल जा रहा है, बकवास। पता नहीं अब कैमरे में दिखेगा कि नहीं, बट ये देखो पता नहीं कौन सी फैक्ट्री है यार, क्या गंद डाला हुआ है, कितना धुआं निकल रहा है देखा। सही है तभी सिटीज़ का ये हाल हो रखा, इससे 100 गुना अच्छा है यार अपना एरिया, फिर कोई ऐसा ऐसा कुछ है ही नहीं। ये देखो कितना धुआं निकल रहा है, वाह बकवास। धूप बिल्कुल सीधी पड़ रही है यार, कितना टाइम हो गया, 7:38। 8 बजे तक चलाते हैं, 8 बजे तक जहाँ पे हमें कोई अच्छा ढाबा मिलेगा तो वहाँ पे रोक लेंगे, 8 बजे रोकेंगे ना। वैसे भूख तो नहीं है मेरे को लग रही, ठीक है स्पीड वैसे सही चल रही है पिछले 2 घंटे में, हाँ 5:30 6:30 हाँ 2 घंटे में हम आ गए हैं लुधियाना, 2 घंटे में 5:30 6:30 6:30 भाई 2 घंटे में हम लुधियाना आ गए हैं, वाह। लुधियाना भी क्रॉस ही कर लिया पूरा, सही है सही स्पीड जा रही है अभी तो हमें लगी है भूख, हमें मिल गया ढाबा और हम वापस मोड़ने लगे हैं यू टर्न हाईवे पे। बस सीधे काम कोई भी नहीं है हमारे पास, बिल्कुल भी सीधे काम नहीं है। हाँ तो ये है 3J ढाबा, है 3J ढाबा, DJ ढाबा होता है, 3J ढाबा कौन सा होता है अभी। तो हमने 1 go में करा है 200, 200 किलोमीटर चला दिया 1 go में, है ना मॉर्निंग से। तो यार सीधा करके लगा दे, कोई इतना वो नहीं है। तो ये लगी हुई अपनी बाइक, आज तो इसने ना रोहित ने तो भगाई है अच्छे से, ये लगी हुई अपनी बाकी सारी बाइक से। ये सामान देख कैसे रखा हुआ है, क्या जहाँ पे जाते हैं ना पूरा गंद डालते हैं। करता स्टार्ट, वाह कितनी भूख लगी हुई है इनको। हाँ तो ये आ चुके हैं अपने पराठे, परांठा परांठा भाई, मक्खन का था या अमूल था, न्यूट्रलाइज यार इन का अमूल था नहीं है, मंगया होगा तो चलो अब इसको खाते हैं और देन बताते हैं, खाते टाइम वीडियो नहीं बनाएंगे। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया, दो दो तीन तीन पराठे खा के गोंगे हो चुके हैं। और ये देखो चाय पी जा रही है,
अब ना धूप निकली हुई है मॉर्निंग से ना, वो फोक में चला रहे थे ना, अब धूप से उठने का मन नहीं कर रहा। व्लॉग में क्या इफेक्ट आ रहा है ना मूविंग का, चलाओ 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 तेज चलाओ, साले पुठे चला थी गार्ड हो जा नहीं। सो इससे आगे, इससे आगे कहाँ पे है ब्रेक, इसको तो दे दे अंबाला, इससे आगे 200 किलोमीटर जहाँ पे हो जाएंगे वहीं पे ब्रेक लगा लेंगे। पूरा एक घंटा यहाँ पे वेस्ट करा हमने, पूरा एक घंटा। फोन में देखूं कहाँ पे है मेरा, पहले मैं अपना फोन देखूं उसके बाद आगे चलता हूँ। मेरा फोन पर्स है, चलो ठीक है। मेरे को फोन की टेंशन होती है यार, मैं भूल जाता हूँ चीजें रख के। क्या बोल रहा था, हाँ 8 बजे पूरे यहाँ पे रुके थे और 9 बजे पूरे एक घंटा पूरा खाने पीने के लिए इधर उधर घूमने के लिए लगा दिया। अब बोल रहे हैं कि 100 किलोमीटर बाद रुकना है, मैं बोलूँगा 200 किलोमीटर बाद इनको ब्रेक मरवाऊँगा मैं। तो भाई ये कहाँ से आ गया रश इतना, थोड़ा सा गया वैसे मैप के अकॉर्डिंग तो थोड़ा सा, तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट करेगा यार। कहाँ एक बंदे की स्पीड होती है 100+ और बिल्कुल ही 0 आ जाती है। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। यार मैं हूँ 120 पे, ठीक है, और ये बंदे देखो यार 120 पे चले हुए हैं। मैं 100+ पे तो हैं, 110 पे है चले हुए, और अगले ने हेलमेट पहना हुआ, पिछले वाला वैसे बैठा हुआ है, मतलब वैसे भगा रहे हैं ना बिना किसी प्रोटेक्शन के। ये देखो इतनी ज़्यादा भगा रहे हैं, पता नहीं यार लोग क्यों नहीं सोचते। रुको और आप, मतलब कि यार हम इतनी वेयरिंग करने के बाद भी सोचते हैं कि नहीं इतना भगाना, और ये ऐसे ही पता नहीं कौन सी हवा में, भाई इतना मत भगाया करो, आराम से चलाओ यार। जय जनाब। आइए जनाब, वो रास्ता आगे क्या कहाँ तक खुला है? आपने अम्बाला जाना है। ओके करिए, रोड के नीचे से वो सर्विस रोड पे आ जाइए। ठीक है, आप जाओगे 8-7 किलोमीटर। ठीक है, इस साइड आपको ना खुले से ऐसे खुला होगा, वहाँ लंगर लगा हुआ है। अच्छा, या फिर अपनी इसमें ला लो बपरौर, बपरौर टू अम्बाला। यार बॉर्डर बंद है उसके, अच्छा बॉर्डर बंद है तो उसके कारण पुलिस वाले ने हमें रीडायरेक्ट कर दिया उस वाले सर्विस लेन पे जाना हमने। वहाँ से आगे जाके बपरौर बोला है, बपरौर से मतलब विलेजेस में से होके कहीं रास्ता निकलेगा। चलो चलते हैं, हम पहुंच गए हैं शंभू वाटर है ना ये, तो हम शंभू वाटर के पास पहुंच गए हैं। देखो किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद। तो ये लगे हुए हैं सारे यार, यहाँ से भी क्रॉस हो सकता था बट वो प्रॉब्लम थी, बट ये सारा लगा हुआ, वो आगे तक बंद है फिर। ओ यार ये देखो फांसी दी हुई है किसी को, फांसी दी हुई है किसी को यार, ये देखो किसी की जान निकल गई, लाश तो उतार लो नीचे, पता नहीं किसको फांसी दी हुई है। यहाँ पे तो पूरा माहौल बना हुआ है, और चलो तो रह रहा हूँ उन्हें, तो साले 2 परौठे पड़े ले आया तेरे, रुक साले पहला रोड पूछिए। सर अम्बाला जाना, अम्बाला आप सीधा निकल जाइए जी, थोड़ा सा ऑफ राइडिंग वाला टाइप का रोड है इस साइड से, आप जाओगे आगे जाके। ठीक है, थैंक यू। ओके चोप है, आगे चिकड़ भी आ गई हो, ओ तेरी बहन। यार ये ऑफ रोड करने का कोई मन नहीं था यार, क्या है अंडरपास बनाया हुआ, पानी पानी है। ओ यार गलत बात, बिल्कुल आराम से जाना पड़ेगा यार, नहीं तो गिल्ले हो जाएंगे यार सारे पैर, रहने दे आराम से चल। यार ये पता नहीं मतलब कौन से रोड पे आ गए हैं, जैसा रोड चल रहा है ना खेतों खेत, हम नहीं पहुंचने वाले वृंदावन, हमारी होली यहीं पे मनेगी। यार ये है क्या है, कुछ नहीं समझ आ रहा है यार, ये रोड ने किधर का किधर लेके आ गया, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। मतलब अच्छा वाला हाईवे था, हाईवे के बाद छोटा रोड आया, फिर छोटा रोड आया, अभी ऐसे की गाड़ियां टेढ़ी चल रही हैं, मतलब कि 2 मिनट।
कीचड़ कीचड़ आ गया अपना ऑफ रोड, आ गया ऑफ रोड वो तेरी बहन। ओ यार ये 2 घंटे दिमाग खराब करने के बाद हम पहुंचे हैं अभी यहाँ पे। सो 2 घंटे लग गए हमें ये बाईपास क्रॉस करने में। वहां पे लिखा हो, ये देखो यहाँ पे लिखा हो ना डाइवर्जन, परिवर्तन लिखा हुआ है, परिवर्तित मार्ग। ये मार्ग नहीं है, आपकी दुनिया परिवर्तित कर देगा। अच्छे वाले रोड छोड़ के ना, मतलब इतने बुरे हाल है ना, हमने कपड़े कुपड़े सारे खोल के उधर फेंक दिए और सोच रहे हैं गन्ने का जूस पिए, थोड़ी सी ठंड मिले फिर आके जाएं, क्योंकि बहुत बुरे हाल है। क्या ही बोलूं, गर्मी के कारण ना इतने बुरे हाल है ना, ये से पूछो। हाँ बहुत ज़्यादा गर्मी, ज़बरदस्त लग रहा है। मैं तो अपना इनर लान लग रहा है, मैंने उतार दिया इनर। और विक्की जी आपका? बहुत ज़्यादा ठंड है। इस बंदे को बस ठंड लग रही है और किसी को ठंड नहीं लग रही। बहुत ठंडी है ना, अच्छे से ठंडी फिर मिलावट होती है, कोई गल नहीं, बर्फ मिला दे कोई चक्कर नहीं, पानी घट घट ठंडी तो होगी, प्योरिटी नहीं रहती ना। घुमाए तो मीठा कोई ज्यादा नहीं है ना। ये तो ये बड़ी बड़ी है ये अपना दोनों फालतू का सेंगे, जो हमारे ग्रुप वाले हैं ना उनको पता ये क्यों हंस रहे हैं। बाकी किसी को नहीं पता, ठीक है, जो हमारे ग्रुप के हैं ना मेंबर उन सबको पता ये क्यों हंस रहे हैं दोनों। सो फाइनली अपने रास्ते पे वापस आ गए हैं। अभी बता रहा है 5 घंटे, टाइम कितना हुआ पहले, 11 बजे है ना, 11 बजे हैं और 394 में 394 किलोमीटर अभी पड़ा हुआ 5 घंटे में, 5-6 घंटे बता रहा है, मतलब कि वही 4-5-6 बजे तक पहुँचेंगे अगर, क्योंकि रुकना भी है, लंच भी करना होगा, बाकी कामों के लिए भी रुकना, बस ये है कि आगे जाके यार रिफिल करा देते हैं। यार विक्की बैठा टेढ़ा हुआ है या इसका बैग टेढ़ा है? टेढ़ा बैठा हुआ, एक साइड को बैठा हुआ वो ग्रिल का सहारा लेके। पानीपत 112 किलोमीटर बाद अब रुकेंगे। चलो आओ अपने असली वाली रेस के वापस आओ। तो फाइनली हम पानीपत और लेटे हुए हैं, कहाँ पे लेटे हुए हैं ये देखो, मेन हाईवे में ही हमें शाय मिली और हम यहाँ पे सारे लेट गए हैं। रेस्ट चल रहा है, पूरा अच्छे से रेस्ट चल रहा है, तो ठीक है। ये भाई आए हुए हैं अभी, पता नहीं सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहा, मेरे को नहीं पता। ये भाई आए हैं कोल्ड ड्रिंक लेके। क्या नाम, क्या भाई आपका नाम तो सुना ही होगा, राहुल। तो नाम तो सुना होगा आपने, ठीक है। भाई आए अभी और कोल्ड ड्रिंक लेके आए, सीधी सी बात है, कोल्ड ड्रिंक लेके आए हैं, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। पता नहीं कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, क्योंकि हाईवे के बिल्कुल पास बैठे हुए हैं। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करते हैं फिर आगे निकलते हैं। 400 किलोमीटर चल गए और हम पानीपत में हैं, अब इसके बाद दिल्ली जाके लंच करेंगे। आज का दोपहर का खाना दिल्ली में होगा, मुरथल में होगा, जो भी है मुरथल में होगा। कहाँ जा रहे हैं, और बस की तरफ देख के तो ऐसे करें जैसे काफ़ी देर से बस ही नहीं आई। यहाँ क्या है, मेरे ख्याल से कोई एकेडमी है और छुट्टियाँ पड़ी हैं होली की, उसके कारण सारे घर जा रहे हैं और किसी को बस भी नहीं मिलती। ये कुछ राइडर निकले, ये देखो 1-2-3-4-5-6 राइडर निकले कहीं किसी और ग्रुप के, और उनकी तरफ देख के ना वरुण को जोश आ गया, कितनी पीछे चल रहा था वो पता नहीं कहाँ पे उन ग्रुप, उस ग्रुप के साथ निकल गया, मतलब उसी ग्रुप के साथ निकल गया वो, कितनी आगे। तो हम आ गए एक्सप्रेसवे पे, यहाँ से 134 किलोमीटर, मतलब इसी पे 134 किलोमीटर बता रहा है। अब मेरे को नहीं पता, हमें पीछे किसी ने बताया था कि इस पे बाइक नहीं जाती, पता नहीं क्या है। सर बाइक अलाउड है? सर कोई पीछे बोल रहा था कि बाइक अलाउड नहीं है इस पे, बंद कर यार। आप बताओ। जी सर क्या कह रहे हो? मैं बोल रहा हूँ कि पीछे को बोल रहा था कि इस पे बाइक अलाउड नहीं है तो जा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, अलाउड नहीं रोड पे। नहीं सर पीछे हमें पता नहीं, नए आए हैं, हमें पंजाब से, हमें पता नहीं था इस रोड पे है, मैप नहीं दिखाया इसलिए आए हैं। अभी वापस जाए
मैं तभी रुक के पूछा ना, हम पीछे भी देख रहे थे कोई पुलिस वाला मिल जाए, हमने वृंदावन जाना। भाई साहब 20-22 हज़ार रुपया चलाना इस रोड पे। तो फिर आप हमें बता दो कौन सा रोड है, क्योंकि हमें मैप ने बताया, हमें नहीं पता था, तभी हम पुलिस वालों को ढूंढ रहे थे, हमें मिल नहीं रहा था, क्योंकि बाकी तो सही बता नहीं रहे हमें। वृंदावन जाना है, अलाउड नहीं इसको भाई। ठीक है, हमें कौन सा रोड ले फिर हम? वृंदावन तो परली साइड का जाना है। पता नहीं मैप शो कर रहा है हमें, ये देखो मैंने, हमने ना मैप से शो करा, ये देखो ये देखो, ये इसने रोड शो करा यहाँ पे ना। रिस्क नहीं लेना चाहते थे पुलिस वाले, चलो उन्होंने हमें समझाया कि यहाँ से निकल, हम छोड़ भी देंगे आगे, फिर वो यूपी वाले घेर लेंगे, तो ज़रूरी किसी के सामने फालतू बोलना है, तो हमने रूट ही चेंज कर लिया, यहाँ से बाहर जाके आगे देखते हैं, दिल्ली वाली साइड से कोई रास्ता निकलता है तो बाहर से निकलते हैं हम। वाला रूट ही ले रहे हैं सीधा, ये वाला, ये दिल्ली गुड़गांव से होके सीधा निकल जाएगा। अबे यार पंगा जरूरी लेना, बाहर आए हैं कौन मिनते करता रहे। ये तो पुलिस वाले अच्छे थे जिन्होंने बता दिया, नहीं तो अगर ये भी बोलते चलान का तो फिर क्या कर लेना। सो अभी रोड एक पकड़ने के बाद हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के बीच में, दिल्ली कुछ नहीं बोलना दिल्ली के बारे में, इसको क्रॉस करो और निकलो यहाँ से। ठीक है, अच्छा मेरे को बताओ यहाँ से हमने वृंदावन जाना है, रास्ता सीधा? हाँ, तो ये रास्ता कहाँ जा रहा है? मेरे को रास्ता कौन सा सही पड़ेगा? तो ये भाई अपने मिले हैं एक, ये हमें अभी लेके जाएंगे, कहते हैं हम मेरे साथ साथ चलो मैं आपको भजनपुरा तक लेके जाऊँ, पता नहीं कौन सा भजनपुरा बोला, वहाँ से कहता आपको हाईवे मिल जाएगा। जितना मैं दिल्ली से निकलना चाहता हूँ ना बाहर, उतना फंस रहा हूँ मैं, इतना बुरा हाल है ना, मतलब पिछले 2 घंटे से ना बस ऐसे चले जा रहे हैं, स्पीड कितना, फ्लैग है ही बहुत है। खज्जल वगैरह होने के बाद हम पहुँच चुके हैं नोएडा में हम पहुँच चुके हैं, जानी पहचानी सी बिल्डिंगें लग रही है मेरे को, पता नहीं यार, चलो यहाँ से निकलते हैं यार, मेरे को बस हाईवे चाहिए, हाईवे मिले और हम यहाँ से छू मंत्र हो जाएं बस। ठीक है, यहाँ जो की पजाई दी है हैं कि स्कूटी ने इन्हें अग लाई दी है, वो देखो भैं ब्रेक मार दें बिना देखे सुने, नाल ही रेस दे दें। सो टाइम हो गया अभी 5:39 और 96 किलोमीटर रह गया, हूँ ये नहीं पता साला राइट होने पैना शायद। आओ 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 वो जनाले भी इधर ही आओ, जाओ जाए इधर नहीं, हमने एग्जिट करा है जमुना एक्सप्रेस, क्योंकि हमें ऑयल डलवाना है, वो सामने ऑयल है और पानी पीना है यार, बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है। चला फिर साले वो सब वे केड़ियाँ लामा आ जा आगे। अच्छा तो मैं क्या बता रहा था, तीसरी बार रिफिल हो गया मेरे ना कैमरे के, नहीं इसकी मेमोरी कार्ड के, 32 मिनट का रह गया बस चार्ज, वो हो सकता है 32 मिनट की रिकॉर्डिंग हो सकती है बस कैमरे में, इसके बाद ये भी फिल हो जाएगा पूरा। तो अभी मैंने तीसरी बार फिल कराया, वो भी 1100 का ही हुआ, मतलब कि 1100 समथिंग का हुआ, मतलब वही 30 की एवरेज दे रहा अभी तक। तो ठीक है यार, और क्या चाहिए साली, 30 की एवरेज मिल रही है और जान लेनी है इसकी। सो ये आ गया है टोल प्लाजा, यहाँ पे बाइक का टोल भी लगता है। ओए ओ मेरी गाल सुनो, इधर एक जगह ही करा दो सारे का, नंबर देख लो ना, एक बाइक का 60 रुपये, 6 × 3 = 18 है ना, 60 रुपये। मैं सोचा कि भैन नुकसान होने मैं भरा देख ला 500, मैं 1000 रुपये दे दता सारा, तेरे 1000 रुपये नहीं दिए। तो चलो बाइक्स का हो गया, मतलब कि एक बाइक का कटा है 60 रुपीज़ वन साइडेड, मतलब कि 180 तीनों बाइक्स के हो गए। तो ये आपको जमुना एक्सप्रेस हाईवे पे टोल लगेगा, मैं बता तो ऐसे रहा हूँ जैसे किसी को पता नहीं, सबको तो पता है,
और मेरे को लगा पहली बार टोल, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मेरे को पहली बार बाइक का टोल मैंने दिया। तो चलो यार चलते हैं अब यहाँ से। एक्साइटमेंट होती है ना कुछ चीज़ पहली बार ही करनी होती है। तो हमें लोकेशन आ गई है। हाँ मैं ना वो वीडियो से देखता ही ना जट प्रभ जो थी वो दिंदे होंगे ही इतने आ गए। हाँ मैं तो पता हैगा मौत तो यही टिकने। मैं कहा साला टोल नहीं आया, टोल कितने आना माई है ना। अच्छा तो अभी क्या है कि हमें लोकेशन आ गया जहाँ पे हमारी बुकिंग है वृंदावन में। तो मतलब कि प्रॉपरली एक घंटा 20 मिनट दिखा रहा है। ठीक है वीडियो बन रही है मेरी, पहले वीडियो बनाता हूँ। तो अभी वो लोकेशन यहाँ से है 81 किलोमीटर, एक घंटा 20 मिनट दिखा रहा है। तो अब भगाते हैं इस पर। तो अब फिर से आ गया सेकेंड टोल और ये लास्ट ही टोल होगा क्योंकि यहाँ से 25 किलोमीटर है बस, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट। पर एक बात है, आज जो बाइक बसाई है ना मैंने कैमरा नहीं ऑन करा था क्योंकि सारे व्लॉग्स देखते हैं घर वाले, सो गलत इम्पैक्ट पड़ता। मैंने कैमरा नहीं ऑन करा बट क्या मज़ा आया आज, पता लगा 650 क्या चीज़ है। मतलब कि क्या ही बोलूँ मैं यार, जितनी फास्ट होती जाती है ना उतना ना मतलब ज़मीन के साथ ना चिपकना स्टार्ट कर देती है। मतलब कि जब आप 160 से प्लस होते हो ना तो बाइक ऐसे ऐसे भी नहीं होती, मतलब बिल्कुल सीधी रहती है। मतलब क्या बोलूँ मैं, फीलिंग बोल के नहीं बता सकता, बिल्कुल ना चिपकी होती है बाइक उसके साथ रोड के साथ। सो फाइनली वृंदावन तो पहुंच गए हैं। बट ये देखो प्रेम मंदिर 2 किलोमीटर, वृंदावन 3 किलोमीटर और इधर पूरा जाम। अब पता नहीं ये जाम कैसे खुलेगा और कैसे हम क्रॉस करेंगे, मेरे को नहीं पता। एंटर है और एंटर होते ही ये देखो क्या चल रहा है। ओए अभी हुए हैं 9:16 और हम मैं वृंदावन में पहुंच चुके हैं। रूम ले लिया था, कैसा है कहाँ पे है वो मैं मॉर्निंग बताऊंगा। अभी फ़िलहाल हम खाने के लिए निकले क्योंकि 9:15 हो गए हैं। 10 बजे के बाद उन्होंने बोला कि नहीं मिलेगा कहीं बाहर, तो खाना खाने के लिए निकले हैं बाहर। और कुछ शॉपिंग भी करनी है, कुछ ख़रीदना है यार। कल जो डालना है ना वो हमें अब ख़रीदना पड़ेगा, तो वो भी चीज़ है। अच्छा खाना खुना किसी ने नहीं खाया, अभी ये कर रहे हैं शॉपिंग। ठीक है कल जो डालेंगे ना उसकी शॉपिंग हो रही है। क्या लिया तूने? ठीक है क्या लिया? मैंने लिया धोती कुर्ता और सिर पे बांधने के लिए। इसके सर पे बांधने के लिए कुछ ले लेना था। और इधर से तो टिकना कितना है? मॉर्निंग पहनेगा ना नहा के डाले हुए ना हमने थोड़ी देर। अभी तो 3 दिन हो गए ना नहाए को, इसने नहाया। ओ यार मैं तो की कह रहे हैं भाई, धोती ली है, धोती मारनी किसके साथ है, नाड़े नहीं चाहिए। और नाड़े इन बिल्ट है अंदर, इसके अंदर इन बिल्ट नाड़े हैं। हमने ये सारी बाइक कर ली है, हमने क्या करा, ये वाला कुर्ता लिया, ये लिए